नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हमारा जो इंजन है हम नया लाइनर भी डाल देते हैं, क्रैंक भी बनवा लेते हैं, सीआर भी बनवा लेते हैं और टैपेट वगैरह सब सेट हो जाती है, पर इंजन जैसे इंजन को लोड देते हैं इंजन अपने आप स्पीड इंजन की अपने आप कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये सब करने के बाद भी अगर ऐसी समस्या आ रही है तो कैसे सही करें। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं बिना पैसे इन्वेस्ट किए तो आपको क्या करना है, सिंपली सा रोधन ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको बताता हूं। और दोस्तों, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों, ऐप को आपको ओपन कर लेना है, ओपन करते ही आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। तो ओपन करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से साइनअप कर लेना है और इसके बाद आपको साइन अप करने के बाद आपको इनवाइट कोड डालना होगा जिससे कि आपको डाउनलोड के 25 रुपये मिल जाएंगे। 25 रुपये मिल चुके हैं हमें और जैसे ही हम इनवाइट कोड डालेंगे तो 25 रुपये और मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इनवाइट में कोड में कैसे डालना है। और दोस्तों, जैसे ही आप इनवाइट कोड पर सर क्लिक करेंगे तो इनवाइट कोड आ जाएगा। तो इनवाइट कोड मैंने जो दे रखा है आप उसको डालेंगे, जैसे ही डालेंगे तो आपको 25 रुपये फिर से मिल जाएगा। और दोस्तों, बहुत सारे इसमें तरीके हैं, वीडियो देखिए, आप इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए तो आपको कुछ ना कुछ मिलता था। देखिए, व्हाट्सएप में आप शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड मोर। और इसके बाद दोस्तों हमारा मेन बैलेंस 50 रुपये दिखा रहा है जो कि आप पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेटीएम में आसानी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होता क्यों है? हमने लाइनर भी चेंज कर दिया, क्रैंक भी बनवा लिया, सब कुछ करवा लिया और इसके बाद भी हमारा इंजन लोड नहीं लेता और धुआं देता है और तेल जो है हमारा ज़्यादा पीता है, काला काला धुआं देता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, आप देखो लोड देखो कंप्रेसर हमारा सही है, लाइनर हमने नया डाल दिया है और इसके बाद क्रैंक भी सही है और टैपिट वगैरह भी सेट कर लिए हैं और इसके बाद दोस्तों फिर भी क्यों लोड नहीं ले रहा? तो आपने दोस्तों क्या करते हैं, हम कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, उसका जो पंप है, पंप अगर ख़राब हो जाएगा इंजन का तो इंजन जो है तेल पंप देखने में तेल तो सही देगा कि तेल हमारा सही दे रहा है, पर क्या होगा कि जैसे इंजन में लोड हम डालते हैं तो इंजन का तेल थोड़ा सा कम हो जाएगा, पंप तेल देना कम कर देगा और इंजन हमारा जैसे ही लोड पड़ेगा इंजन हमारा दबने लगेगा और धुआँ देने लगेगा। और दोस्तों, ये धुआँ क्यों दे रहा है, मतलब मान लो तेल कम पा रहा है तो इंजन की स्पीड ही कम होनी चाहिए, पर धुआँ क्यों देने लगता है? धुआँ दोस्तों इसलिए देना पड़ता है कि जो जिस समय उसको तेल देना चाहिए उस समय वो तेल नहीं दे पाता। मान लो पंप की थोड़ा सा, जब पंप ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो पंप की जो है टाइमिंग अपने आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, तो इसीलिए हमारा इंजन लोड लेने लगता है। और नोजल का हमेशा नट, जो एडजस्टिंग नट होता है, उसको हमेशा स्प्रे जो है अच्छा होना चाहिए, अच्छे से टाइट कर देना चाहिए, क्योंकि जो तेल है हमारा सही टाइम में दे और सही स्प्रे डाल दे जिससे कि हमारा इंजन अच्छा चले और माइलेज भी अच्छा दे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कम से कम इस वीडियो में 100 लाइक तो कर ही कर देना दोस्तों।